Assalamualaikum viewers, welcome to Mom's Kitchen Secrets. आज मैं आपको लाहौरी स्टीम फ्राइड चिकन बनाना सिखाती हूँ. लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें. रेड कलर का सब्सक्राइब जो लिखा है उस पर क्लिक कर दें और साथ जो बेल का आइकॉन है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज आप तक पहुँच सकें. चलिए अब इन्ग्रीडियंट्स नोट डाउन करें. डेढ़ किलो चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर, मैंने इसे पहले तवे पर भून लिया उसके बाद इसे पीस लिया है, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, हरी मिर्च का पेस्ट 2 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून, लेमन जूस 4 टेबलस्पून, सिरका, वाइट विनीगर 2 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम, ऑरेंज फूड कलर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, वाइट पेपर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, जायफल जवित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून. ये मैंने केवड़ा वाटर लिया है लेकिन इसे मैं मैरिनेशन में ऐड नहीं करूँगी, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ कि इससे क्या करना है. अब हम चिकन की मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं. चिकन की मैरिनेशन के लिए सबसे पहले लिक्विड्स अंदर डालें, उसके बाद फिर ड्राई स्पाइसेस अंदर डालें. लेमन जूस, सिरका, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, सफ़ेद मिर्च, ज़ीरा पाउडर, कॉर्नफ्लोर, धनिया पाउडर, हरी मिर्चों का पेस्ट, सुर्ख मिर्च, जायफल जवित्री, काली मिर्च, अजवाइन, सॉल्ट, फूड कलर, हल्दी. इन सब चीज़ों को डालकर पहले अच्छी तरह मिक्स कर लें. ये मैंने इसे मिक्स कर लिया है, इसमें बिल्कुल योगर्ट ऐड नहीं करेंगे. अब हम इसमें चिकन डाल देते हैं. चिकन के लिए आप ये देख लें, मैंने मिक्स चिकन लिया है. अक्सर ये शिकायत होती है कि ये लेग जो है वो थोड़ा सा कच्चा रह जाता है, उसके इस वाले पोर्शन पर थोड़ा सा ब्लड रह जाता है, पिंक पिंक सा फील होता है. ये जो वाइट लाइनिंग आ रही है ये इसके मसल्स हैं. जब इसको हल्की सी भी हीट टच होती है तो ये क्या होता है, ये सिकुड़ जाते हैं और ये ब्लॉक कर देते हैं सारे एरिया को. इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए आप इस वाइट लाइनिंग के साइड्स पर, ये देखें मैंने बाकी सब पर कट लगा लिए थे, ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ था. थोड़ा सा इस साइड से कट कर दें और थोड़ा सा इस साइड से कट कर दें. ये आपकी थोड़ी थोड़ी हड्डी नजर आएगी, इससे आपका जो पोर्शन होगा ये कच्चा नहीं रहेगा. इन दो कट्स के अलावा आप कोशिश करें कि यहाँ और कोई कट ना लगाएं. अगर आपका दिल करे तो यहाँ हल्का सा एक कट दे दें. ये देखें मैंने इसको भी ऐसे कर लिया है. अब हम इसको साइड चिकन को इस मसाले में ऐड कर देंगे. ये देखिए व्यूअर्स, मसाला अच्छी तरह चिकन को लग गया है. आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, अगर आपको जल्दी है तो आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख दें, नहीं तो इसे मैक्सिमम 2 घंटों के लिए, तो इसको लाजमी रखें इसकी मैरिनेशन प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए. आप इसे रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, लेकिन अगर गर्मी ज़्यादा है तो आप फ्रिज में रख दें, प्लास्टिक रैप से ऊपर कवर कर लें. मैंने इसे 2 घंटों के लिए मैरिनेट कर लिया है, अब मैं इसे स्टीम करती हूँ. मैं यहाँ स्टीमर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर किसी के पास स्टीमर नहीं है तो आप एक पतीला लेकर उसके अंदर नीचे थोड़ा सा पानी डालें जितना मैंने इसमें डाला है. उसके ऊपर लोहे की जाली रखकर आप उसके ऊपर इन पीसेस को स्टीम कर सकते हैं. नीचे मैंने पानी डाल लिया है, ऊपर मैं ये इसकी जाली रखूँगी और एक एक करके मैं इसमें पीस रखती जाऊँगी.
सारे पीसेस को इसने सेट कर दिया है और ये जो मसाला बच के से फेंकना नहीं है। मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम किया है। स्टीम करने के बाद इसको आप एक प्लेट में निकाल लें और जब ये ठंडा हो उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है। गर्म गर्म आपने इसको फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना। इसका मकसद ये है, मसाला इसके साथ जब ये ठंडा होगा, स्टिक हो जाएगा, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अब 10 मिनट तक मैं इसे ठंडा करूँगी, उसके बाद फ्राई करूँगी। मैं यहाँ देसी घी यूज़ कर रही हूँ फ्राई करने के लिए। आप कोई भी ऑयल या कोई भी बाजार से जो घी मिलता है आप उसमें भी इसको फ्राई कर सकते हैं। गोल्डन ब्राउन कराने पर मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। मजीद मैं फ्राई कर रही हूँ। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें, यू विल लाइक इट। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इस लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।